नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार सुबह लोग उस समय हैरान हो गए, सनसनी फैल गई, जब भोपाल में खुलेआम एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने सुपरवाइजर की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी घटना पासी लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें जो आरोपी सिक्योरिटी गार्ड है वो अपने सुपरवाइजर को गोली मारता साफ साफ दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक दरअसल ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसका नाम महेंद्र तिवारी है और इसने अपने सुपरवाइजर राजकुमार ठाकुर को मामूली विवाद के चलते गोली मार दी। एडिशनल एसपी राजेश भदौरिया के मुताबिक जो इसमें मृतक है उसको जब गोली लगी थी तो तुरंत ही पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल लेकर के पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। क्या कुछ कहना है पुलिस का, खुद सुनिए एडिशनल एसपी राजेश भदौरिया की जुबानी। एक निर्माण सदन है पीडब्ल्यूडी का, वहाँ पर काम करने वाले गार्ड है महेंद्र तिवारी। उसने अपने ही सुपरवाइजर को सिर्फ उसकी वर्किंग पर जो उसने जो क्वेश्चन किए सुपरवाइजर ने कि ठीक से काम नहीं करता है ये वो, उसी बात पर कहासुनी हुई और उसी क्रम में गार्ड के द्वारा अब सुपरवाइजर है राजकुमार ठाकुर, उसको जो 12 बोर बंदूक थी गार्ड के पास उससे 2 राउंड चला कर गोली मारी है, जिससे वहाँ पर हॉस्पिटल ले जाते हुए डेथ हो गई है। आरोपी महेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, घटना में प्रयुक्त बंदूक जब्त हो गई है, साक्ष्य रूप आगे की कार्रवाई की है। तो सुना आपने, ये एडिशनल एसपी हैं राजेश भदौरिया, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां पे सैकड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारी जो है वो काम करते हैं। कई बड़े सरकारी कार्यालय जो हैं वो इस इलाके में मौजूद है जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है, और कई लोगों ने क्योंकि सुबह सुबह की पूरी घटना थी तो देखा भी होगा। पुलिस के पास चश्मदीद भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है, जिससे जो आरोपी है उसका बचना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी सिक्योरिटी गार्ड है जिसने गोली चलाई है उसे गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने किस कारण से इतना बड़ा कदम उठाया।